आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो, हाँ जी। समानुपात में कहां तक करा दिया था देखना, समानुपात की विशेषताएं। ये तो पहले का पढ़ाया हुआ है, वैकल्पिक गमन, विपरीत गमन और वैकल्पिक गमन, विपरीत गमन और वैकल्पिक गमन। उसके बाद देखो तंत्रात्मक गमन, ए अनुपात बी समानुपात, सी अनुपात डी, या ए बटे बी बराबर सी बटे डी लिखा हो। सुनो, ए बटे बी बराबर सी बटे डी। तो अगर इस बी को ऊपर जोड़ दें, अगर बी को ऊपर, तो ए प्लस बी बटे बी सी प्लस डी बटे डी। बी को ऊपर जोड़ दिया, डी को ऊपर जोड़ दिया, तो भी समानुपात बरकरार रहेगा। एग्जाम्पल देखो, दो बटे तीन, सोलह बटे चौबीस, सही है। दो में तीन जोड़ो, पांच बटे तीन, सोलह में चौबीस जोड़ो, चालीस बटे चौबीस। ये भी पांच बटे तीन, ये भी पांच बटे तीन, दोनों पांच बटे तीन आ रहा है। हेलो, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा मैडम को। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो ये भी पांच बटे तीन और ये भी, दोनों पांच बटे तीन, यानी समानुपात बरकरार। एक होता है विभाजक गमन, क्या होता है, ए अनुपात बी समानुपात, सी अनुपात डी, ए बटे बी बराबर सी बटे डी। अगर ऊपर माइनस कर दे, ए माइनस बी बटे बी सी माइनस डी बटे डी, तो इस विशेषता को विभाजक गमन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुझे बताओ, जब ऐसा लिखा हो और ऊपर प्लस कर दिया हो तो क्या अंतर लगा के रहोगे, और जब ऊपर माइनस कर दिया तो क्या लगाओगे। दो बटे तीन बराबर सोलह बटे चौबीस, दो में से तीन गया, सोलह में से चौबीस गया, माइनस एक बटे तीन, माइनस आठ बटे चौबीस, माइनस से माइनस गया, एक बटे तीन बराबर एक बटे तीन, समानुपात बरकरार है या नहीं है। तो दोनों विशेषता का नाम बोलो, समझ में आ गई क्या, नोट डाउन।
अगली विशेषता का नाम होता है दोनों मिक्स करके तंत्रात्मक एवं विभाजक गमन। बोलो तंत्रात्मक एवं, दोनों मिक्स है तो ये क्या बोलता है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ए बटे बी बराबर, तो ये ऊपर प्लस करेगा नीचे माइनस करेगा। ध्यान रखो ऊपर प्लस ही होना चाहिए, ऊपर प्लस होना चाहिए नीचे, और इधर भी ऊपर प्लस करेगा सी प्लस डी अपॉन, देखो मैं यहां लिखता हूं यू बटे वी बराबर डब्लू बटे जेड, इस पे तंत्रात्मक और विभाजक लगानी है, तो यू प्लस वी यू माइनस वी डब्लू प्लस जेड डब्लू माइनस जेड। एग्जाम्पल देखो दो बटे तीन सोलह बटे चौबीस, दो प्लस तीन दो माइनस तीन, सोलह प्लस चौबीस सोलह माइनस चौबीस, पांच बटे माइनस एक चालीस बटे माइनस आठ, ये भी पांच बटे एक ये भी पांच बटे, अरे समझे क्या? अगर ये लिखा है ए बटे चार बी बटे पांच, इस पे विशेषता लगानी है, बोलो ए माइनस चार बी प्लस पांच बी माइनस पांच, समझ गए क्या? नोट डाउन। हो गई
इसके बाद आता है संयुक्त गमन। कौन सा गमन? ए अनुपात बी समानुपात, सी अनुपात डी, ए बटे बी बराबर। बच्चों इसमें समानुपात बरकरार नहीं रहता, ये एक अनुपात है जो अनुपात के ही बराबर आता है। ऊपर का ऊपर जोड़, ऊपर का ऊपर नीचे का, ये अनुपात जो होगा वो इसी अनुपात के बराबर आएगा। देखो मैं समझाता हूं, 2/3 बराबर 16/24 है ना। तो अगर मैं ऊपर का ऊपर जोड़ दू नीचे का नीचे जोड़ दू तो 2:3 ही आएगा। ऊपर का ऊपर जोड़ दो, 2 और 16 3 और 24 काटो इसको, 2:3 देख लो, 2/3 के बराबर ही आ रहा है। यानी ऊपर का ऊपर जोड़ नीचे का नीचे जोड़ उसी अनुपात के बराबर आता है, तो विशेषता का नाम होता है संयुक्त गमन। क्या नाम होता है? देखो इसका उदाहरण, P/Q बराबर R/S बराबर 6/7 सही है। अब मेरे से बोला पी प्लस आर क्यू प्लस एस का मान बताओ। देखो ऊपर का ऊपर जोड़ दिया नीचे का नीचे जोड़ दिया, ये अनुपात 6:7 था, 6:7 तो जो इसका अनुपात होगा वो भी 6:7 ही होगा। अरे बोलो ना। देखो देखो देखो, ये P/Q बराबर R/ ऊपर का ऊपर जोड़ा पी प्लस आर, नीचे का नीचे जोड़ा, तो ये जो अनुपात होता है विशेषता बोलती है कि ये अनुपात इसी अनुपात के बराबर होता है। यानी ये अनुपात P/Q है, P/Q है। इसके बराबर ही होगा और ये इसके बराबर है, तो फिर ये किसके बराबर होगा? 6/7। एक और देख लो, एक और अभी देखो, X/Y बराबर W/Z बराबर 2.5/1.5 तो X प्लस W Y प्लस Z का मान क्या होगा? क्या इसका अनुपात इसी अनुपात के बराबर आएगा? तो 2.5/5/25 5/3 तो 5/3 के बराबर। समझे क्या? नोट डाउन।
अगली विशेषता का नाम है अंतर्गमन। कौन सा गमन? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ऊपर का ऊपर माइनस नीचे का नीचे माइनस के बराबर ही यह अनुपात आता है, इसे बोलते हैं अंतर्गमन। 2/3 बराबर 16/24, ये भी 2/3, ये भी 2/3, 2 में से 16 गया माइनस 14, 3 में से 24 गया माइनस 21, माइनस से माइनस गया, ये भी 2/3 के बराबर। समझे क्या? एक्स बटे वाई बराबर डब्ल्यू बटे जेड बराबर 5/11, तो एक्स माइनस डब्ल्यू वाई माइनस जेड किसके बराबर आएगा? इस 5/11 के बराबर ही आएगा, ऊपर का ऊपर माइनस नीचे का नीचे माइनस। समझे क्या? नोट डाउन। किताब देना। अब आते हैं कुछ प्रश्न जैसे सिक्के वाले।
एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। अनुपात 10:14:18 है। कुल 430 रुपए हैं। तो सिक्के बताओ 200, 280, 360, 100, 140, 180, 360, 280, 200। मुझे बताओ जो थैले में रुपए हैं वो किस किस के हैं? 1 रुपए के, 50 पैसे के, और इनका अनुपात कितना है? बोलो। तो इसमें अनुपात चेक कर लो, आंसर पता लग जाएगा। बोले सर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इन दोनों में तो आ ही नहीं रहा। 10:14:18 सेकंड में नहीं आ रहा, फोर्थ में नहीं आ रहा। सर 100, 140 और 180 में 10:14:18 आ रहा है, क्या ये आंसर है क्या? मैंने कहा नहीं, रुको चेक करो। 100 सिक्के 1 रुपए के, तो रुपए कितने हुए? 140 50 पैसे के 50 पैसे के 140, तो आधे हो जाएंगे। अगर 50 पैसे है तो 2 का डिवाइड, कितने का डिवाइड? तो 50 पैसे में 2 का डिवाइड कितने रुपए हुए? 180। 25 पैसे के, 25 पैसे में 4 का डिवाइड, किसका डिवाइड? 180 में 4 का डिवाइड करो। क्या ये 430 के बराबर आया? नहीं आया, इसका मतलब सी ऑप्शन। अब अपन करते हैं 200, 280, 360। 200 सिक्के 1 रुपए के 200 रुपए, 280 50 पैसे के, 360 25 पैसे के, क्या सबका टोटल 430 आ रहा है? तो कौन सा उत्तर हो गया? ए। अरे समझे क्या? एक बार और समझ लो। 200 सिक्के 1 रुपए के, 200 सिक्के 200 रुपए, 280 50 पैसे के, 280 दो से डिवाइड, 140 रुपए, ये कितने? कौन से पैसे के? 4 का डिवाइड, कितने रुपए हुए? तीनों को जोड़ा तो कितना आया? हमें भी कितना बोला था? अनुपात कितना है? 0 से 0 गया 0 से 0 गया, 2 से 10 गया, 2 से 14 गया, 2 से 18, अनुपात भी आ रहा है। अनुपात तो इसमें भी आ रहा है, पर जब इसका देखा था 100 रुपए 70 रुपए 45 रुपए, क्या 430 के बराबर आ रहा था क्या? तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? हेलो, हाँ नहीं तो यहीं घर पे ही होगा, घर पे ही होगा, देख मम्मी को बोल ढूंढेगी।
लो ठीक है सर, आज के लिए इतना ही।